afraid to go in there, maybe. हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या? मेमोरी एलोकेट करना अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। और जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। हमने सॉफ्टवेयर्स बनाया तो उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, तो डेटा स्टोर करने के लिए हमको कुछ मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी हमें रिजर्व करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेमोरी जो है वो दो तरह से एलोकेट होता है, ठीक है। एक होता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन या स्टैटिक, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक का। तो दो तरह का होता है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अगर आसान शब्दों में समझने का अगर कोशिश करें तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को आप कह लो कंपाइल्ड मेमोरी एलोकेशन, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को आप ये कह लो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, दोनों में अंतर क्या है, देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जैसा इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, कि हम जैसे कंपाइल करा हमने और मेमोरी एलोकेट हो गया, यही है ना। और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये कि जैसे हमने अपने प्रोग्राम को रन करा तो मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है। तो क्या सच में हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और मेमोरी एलोकेट हो जाएगा? क्योंकि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन में समझ में आता है कि प्रोग्राम हमने रन करा और उसी समय पे हमें जितना जरूरत है हमने मेमोरी एलोकेट कर लिया, ठीक है। लेकिन हम कंपाइल किया और कंपाइल करते के साथ हमारे रैम में जो है मेमोरी एलोकेट कर दे, ठीक है, तो कंपाइल करते के साथ एलोकेट कर देगा, तो क्या सच में ऐसा होगा, एलोकेट करेगा कंपाइल करते समय? तो ये बिल्कुल गलत है। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन कभी नहीं होता। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन का डिसीजन हो जाता है। आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है, प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, तो कंपाइल जब आप करेंगे तो उस समय पे डिसीजन ले लिया जाएगा कि कितना मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। ये है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब। मेमोरी एलोकेट तो रन टाइम पे ही होता है, लेकिन आपने प्रोग्राम को जैसे कंपाइल करा वैसे डिसीजन ले लिया जाएगा कि मेमोरी हमें इतना एलोकेट करना है। प्रोग्राम जब रन होगा तो फिर मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अब रन टाइम मेमोरी एलोकेट का क्या मतलब? रन टाइम मेमोरी एलोकेट का मतलब ये होता है कि हमें कुछ पता नहीं है हमें कितना मेमोरी चाहिए कितना नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर रन हुआ, रन जैसे ही हुआ या सॉफ्टवेयर चल रहा है उसी समय जरूरत पड़ गया हमें मेमोरी एलोकेट करने का, ठीक है। तो हमने मेमोरी जितना जगह पड़ा उतना हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने उसको फ्री कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया मेमोरी को। जैसे अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझे ना, तो जैसे आपका जन्मदिन आ गया, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल से समझे तो जैसे आपका जन्मदिन आ गया, आपने अपने 10 दोस्त को इनवाइट किया, आप अपने 10 मित्रों को इनवाइट कर लिया, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, आप पार्टी जब मनाने वाले थे अपने जन्मदिन का, तो दस्तों को इनविटेशन आपने दे दिया है, तो डिसीजन ये ले लिया गया है कि पार्टी में जो है 10 लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन उन 10 लोग में से कुछ लोग जब आने लगे तो रास्ता में कुछ नए दोस्त मिल गए, ठीक है, तो उनको रास्ते से ऐसे ही उठा के ले लिया कि चल भाई तू भी आ जा, जन्मदिन का पार्टी है, उसका आज जन्मदिन है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि पहले हमको मालूम नहीं था कि 10 से ऊपर भी हो सकते हैं, हमने डिसीजन सिर्फ 10 का ही लिया था, ठीक है। लेकिन जब आने लगे तो अचानक से जो है कुछ दो चार लोग और दो चार दोस्त और आ गए, ठीक है। तो जो अचानक से बिना प्लान किए, ठीक है, दो चार दोस्त और आ गए, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के भाषा में रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। और जो आपने डिसीजन पहले से ले लिया था कि नहीं हमने 15 ठो फ्रेंड को इनवाइट करा है, ठीक है, तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, या फिर कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन तो रन टाइम पे ही होगा, लेकिन डिसीजन आपने ले लिया कंपाइल करते समय ही कि हमें इतना मेमोरी एलोकेट करना है। वैसे ही पार्टी बनाने, तो पार्टी का जो जो समय है, ठीक है, पार्टी तो हम उसी समय बनाएंगे, लेकिन डिसीजन हमने ले लिया कि इतने लोग आएंगे। अब ऐसा भी हो गया कि कुछ लोग पार्टी मना रहे थे, उसी समय कुछ लोग आ गए, ठीक है, हमने प्लान नहीं करा था, डिसीजन नहीं था, लेकिन अचानक से पता चला कि जन्मदिन का पार्टी है वहां, तो चल गए हम, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता तो क्या होता, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, मेरा बैटरी लो हो रहा है, होने लगा ना। तो जो है दो तरह के होते हैं जो मेमोरी एलोकेशन। मान लीजिए कि कंपाइल जैसे हमने करा, मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है, तो प्रोग्राम को कंपाइल कौन करता है जी, प्रोग्राम को तो कंपाइल जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाला करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है कंपाइल करता है, ठीक है। तो उसके कंप्यूटर में ही अगर मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि INT X x इक्वल टू 20, ठीक है, तो अगर कंपाइल जैसे करा सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसी समय उसी के कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट कर दिया गया जी, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरे के कंप्यूटर में जब जाएगा तो मेमोरी क्या उठा के लेके जाएगा, मेमोरी को उठा के लेके तो नहीं जाएगा ना। तो डिसीजन जो है ले लिया जाता है कंपाइल करते समय कि इतना इतना मेमोरी हमें एलोकेट करना है, ठीक है, और इतना हम रिजर्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे अब रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो आप हार्ड कोड लिख देते हो ना, इंट एक्स इज इक्वल टू इतना, या फिर स्ट्रिंग, या फिर कैर नेम इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उस समय रिक्वायरमेंट था 10 स्टूडेंट का, ठीक है, तो हार्ड कोड आप कर देते हैं, लेकिन हो सकता है हम स्टोर करेंगे 10 स्टूडेंट का डेटा, हो सकता है 50 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम 50 स्टूडेंट का मेमोरी तो एलोकेट करके पहले से नहीं रख सकते ना। मान लीजिए कि 50 का हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि जी हमें तो 20 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करके रखना था, ठीक है। तो ये मेमोरी का मैनेजमेंट वगैरह करना जो है आसान रहता है, अच्छा रहता है, एफिशियंस रहता है, ठीक है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन से, ठीक है। अब रन टाइम मेमोरी एलोकेशन जो है ना, आपके सी का जैसे प्रोग्राम है, सी वगैरह का, ठीक है, तो उसमें जो है मैलॉक कैलॉक जैसा कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें कि हो जाता है मेमोरी एलोकेट। जैसे सी शार्प है तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है न्यू कीवर्ड्स वगैरह लगा के, जावा में भी ऑब्जेक्ट बनता है, विजुअल बेसिक वगैरह में भी बनता है, ठीक है, तो विजुअल बेसिक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। मैं सी में तो अभी तुरंत आपको नहीं दिखा रहा हूँ मेमोरी एलोकेट करके, पॉइंटर में जो है थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या समझ में आया, डायनामिक और स्टैटिक और डायनामिक, या फिर कंपाइल टाइम और रन टाइम, नहीं समझ में आया, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, क्लियर हो गया नहीं हुआ, सिंपल सा बात है, ठीक है। आप घर गए, आपके घर में मान लो 5 सदस्य हैं, ठीक है, तो
पांच सदस्य हैं, सबको ही जान रहा है। तो आप जब खाना बनाने लगोगे तो आप तो जान ही रहे हो ना कि पांच लोग आए हैं, पांच लोग का बना दो। क्यों? पांच लोग हैं घर में, पांच लोग का खाना बन गया, बना के खा लिए, खत्म कहानी। क्यों? मैं आ रहा हूँ उस पे अभी, ठीक है। तो पांच लोग का खाना बना लिए, खा लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि खाना बनाने से पहले डिसीजन ले लिया कि पांच लोग हैं, पांच लोग का बना दो जी। तो ये क्या हुआ? कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मतलब क्या, हमने डिसीजन ले लिया ना पहले ही कि हाँ इतने लोगों का खाना बनाना है, वैसे ही कंपाइल करते समय ही हमने डिसीजन ले लिया कि इतना मेमोरी एलोकेट करना है। कंपाइल करते समय मेमोरी एलोकेट कभी होता ही नहीं, ये गलत है। कंपाइल करते समय मेमोरी एलोकेट कभी नहीं होता, डिसीजन ले लिया जाता है कि मेमोरी एलोकेट इतना होगा, ठीक है। जैसे आपने खाना बनाते समय डिसीजन ले लिया, मान लीजिए कि आपने पांच लोगों को देख करके खाना बनाया, ठीक है, और मान लीजिए कि दो लोग अतिथि आ गए, ठीक है, दो अतिथि जो है और आ गए आपके घर में, तो ये क्या हुआ? डायनामिक आ गए ना, रन टाइम पे आ गए, आपको मालूम नहीं था, ठीक है। तो आपने अगर ज्यादा बनाया होगा खाना तो उनको भी बांट देंगे, ठीक है। अगर नहीं बनाया होगा, सिर्फ पांच लोगों का ही आपने बनाया होगा, तो उसमें से बांट बांट के ले लेंगे, घट जाएगा तो फिर से जो है बना लेंगे खाना, ठीक है। तो पहले आपने डिसीजन क्या रखा था? पांच लोग आएंगे जी, पांच लोगों का खाना बना दो, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला थोड़े देर में एक्सीडेंटली जो है दो ठो अतिथि आ गए, तीन ठो, ठीक है। तो आ गए तो उनको भी खाना खिलाना था, तो हमने उनको भी खिला दिया, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली आ गए, हमें पता नहीं था पहले से कि दो लोग और आने वाले थे, लेकिन आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? रन टाइम हो गया। तो प्रोग्राम में भी ठीक उसी तरह से होता है कि हमें पहले पता नहीं रहता है कि आने वाले हैं, मेमोरी एलोकेट कितना करना है, ठीक है, किसके लिए करना है, ठीक है। हमको पहले से नहीं पता होता है, जब सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि नहीं जी, 10 स्टूडेंट के लिए नहीं, 20 स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेमोरी एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका जी कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। कुछ पूछना है आप लोग को तो पूछ लीजिए, अन्यथा बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं, सब ज्ञानी लोग हैं। तो कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है कुछ कंफ्यूजन? या है? इसका पॉइंटर वगैरह जब मैं बताऊंगा ना, तो उसमें थोड़ा आपको बता दिखा दूंगा कि कैसे मेमोरी एलोकेट हो रहा है रन टाइम पे। मैं कोशिश करूंगा कि दिखा दूं, ठीक है। अभी तो मेरा कुछ इच्छा नहीं है कि मैं कुछ कोड वोड लिखूं इसमें, ठीक है। तो कुछ पूछना है आप लोगों को, इसको रोक लेता हूँ मैं।